इंडिविजुअली तो बिजनेस को इफेक्ट करते ही हैं साथ में ये फैक्टर्स एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं जैसे अगर कोई लीगल फैक्टर है तो लीगल फैक्टर सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजी बाकी इन सभी फैक्टर्स को भी इफेक्ट करता है तो ये जो फैक्टर्स हैं डिफरेंट वेज में बिजनेस को इफेक्ट करते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स है एक जो फैक्टर चेंज हुआ है उससे कितना किस बिजनेस uh, पर कितना है? कितना है परसेंटेज से पड़ा वो हम उसको इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक जो फैक्टर है वो इन कॉम्बिनेशन में बिजनेस को इफेक्ट करता है नेक्स्ट इज डायनामिक एनवायरमेंट मिक्सचर है बहुत सारे फैक्टर्स का सभी फैक्टर्स में होते रहते हैं तो इसीलिए जो चेंजेस किसी भी फैक्टर में हो रहे हैं एन्वायरमेंट के वो बिजनेस एनवायरमेंट को डायनेमिक बनाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो प्लान्स पॉलिसीज हैं बिजनेस की उसे भी आपको चेंज करना पड़ता है ताकि जो चेंजिंग uh, एनवायरमेंट है उसके साथ आप पेस में रह सके नेक्स्ट इज योर बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्ट डिफरेंट फर्म्स डिफरेंटली जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर चेंज जो एनवायरमेंट में हुआ है वो सभी बिज़नेसेस को सेम तरीके से इफेक्ट करे एक जो फैक्टर जो चेंज हुआ है वो डिफरेंट बिज़नेसेस को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट कर सकता है किसी एक बिजनेस के लिए वो अच्छा हो सकता है जबकि दूसरे बिजनेस के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है तो जैसे अगर हम कोविड कहें तो कोविड को अगर हम देखें कि जो आपका वैक्सीनेशन uh, या जो uh, आपकी फार्मा कंपनीज हैं उनके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरीके से आया है लेकिन जब हम उसी चीज को uh, दूसरी चीज के नजरिए से देखें कि आपका जो लग्जरी गुड्स है उसके लिए वो नेगेटिव चीज आई है क्योंकि कोविड में जब लॉकडाउन हो गया तो लग्जरीज के ऊपर कोई भी स्पेंड नहीं करेगा नेक्स्ट इज योर बिजनेस एनवायरमेंट हैज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो भी चेंज एनवायरमेंट में हो रहा है उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दोनों ही बिजनेस के ऊपर हो सकते हैं जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करेगा डेवलपमेंट जो है बिजनेस की उसको इफेक्ट करेगा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी नेक्स्ट इज अनलिमिटेड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है बिजनेस के वो अनकंट्रोलेबल होते हैं और इन फैक्टर्स का डीप इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर कई बार तो इफेक्ट इतना डीप होता है कि बिजनेस को क्लोज भी करना पड़ जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर जो गवर्नमेंट है उसने डिसीजन लिया कि वाइन और विस्की को बैन किया जाएगा तो जो वाइन शॉप्स है उन्हें अपना बिजनेस जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा दैट इज नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज अनसर्टेन जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट है वो अनसर्टेन है सडन चेंज किसी भी टाइम पे किसी भी कंट्री में किसी भी फैक्टर में हो सकता है और उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज में पासऑन होता है तो उसकी जो स्टडी और एनालिसिस है वो डिफिकल्ट है नेक्स्ट इज योर इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के जो इंटरडिपेंडेंट इंटर अदर पर अभी हमने ऊपर बात की कि अगर एक सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट का इफेक्ट टेक्नोलॉजी वाले पे भी जाएगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे भी जाएगा और बाकी जो फैक्टर्स कॉम्पोनेट्स है एक्सटर्नल एनवायरमेंट के उस पर भी जाएगा तो जो सारे फैक्टर्स हैं सारे कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरमेंट के वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एनवायरमेंट के हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एन्वायरमेंट का इफेक्ट होगा सोशल एनवायरमेंट पर और सोशल एनवायरमेंट का इफेक्ट होगा इकोनॉमिक एनवायरमेंट पर देन इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट में दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स इंक्लूड होते हैं इंटरनल एनवायरमेंट मतलब वो एनवायरमेंट जो बिजनेस के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है और जो बिजनेस यूनिट के कंट्रोल में नहीं है तो जो बिजनेस यूनिट है उसको अपनी एक्टिविटीज अपने इंटरनल एनवायरमेंट को चेंज करते रहना पड़ेगा ताकि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो उसके साथ मैच कर सके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है है रिलेशनशिप क्या एनवायरमेंट एज स्टिमुलेंट भी एक्ट कर सकता है बिजनेस के लिए और एज अ कॉन्स्ट्रेंट भी एक्ट कर सकता है उसके लिए वो एक आप कह, कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव फैक्टर भी बन सकता है और उसके लिए वो एक ऑब्स्टेकल भी बन सकता है तो अगर एक बिजनेस एंटरप्राइज को एक्सपैंड करना है अपने आप को तो जो भी फेवरेबल चेंजेस एनवायरमेंट में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा और अगर प्रिवेलिंग एनवायरमेंट में अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो बिजनेस को चैलेंजेस और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है तो रिलेशनशिप क्या है बिजनेस और एनवायरमेंट के बीच में सबसे पहला है म्यूचुअली रिलेटेड को रिलेशन है बिजनेस और एनवायरमेंट के बीच में जो बिजनेस है वो एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है और जो एनवायरमेंट है वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडस्ट्री रिसेशन फेस कर रही है तो बिजनेस को अपना जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा कंपटीशन ज्यादा है तो बिजनेस डिसाइड कर सकता है कि वो एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करेगा तो जो एनवायरमेंट है वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है सेम तरीके से बिजनेस एंटरप्राइजेस इन फॉर्म ऑफ अ ग्रुप भी प्रेशराइज uh, कर सकती है गवर्नमेंट को कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज कर सके चेंज करे तो यहाँ पर बिजनेस ने इफेक्ट किया एनवायरमेंट को तो जो बिजनेस और एनवायरमेंट है वो म्यूचुअली रिलेटेड है दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट इज योर एनवायरमेंट रिक्वायर्स बिजनेस टू बी डायनामिक क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट है तो जो बिजनेस पॉलिसीज हैं स्ट्रेटजीज हैं वो भी डायनामिक है तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट में जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं जैसे इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एनवायरनमेंट के जो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहते हैं और ये जो फैक्टर्स हैं फ्लैक्सीबल हैं डायनामिक है तो जो बिजनेस की पॉलिसीज हैं वो भी डायनेमिक होनी चाहिए ताकि चेंजिंग एन्वायरमेंट में वो एडजस्ट कर सके देन नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स प्रीवेलिंग जो एनवायरमेंट है अगर वो फेवरेबल है बिजनेस के लिए बिजनेस ग्रोथ के लिए प्रोस्पेरिटी के लिए तो जो बिजनेस यूनिट है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी फॉर एग्जाम्पल अगर जो बिजनेस यूनिट है उसे इंकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे जब गवर्नमेंट कैसे उसे इंकरेज करती है गवर्नमेंट उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देती है टैक्स बर्डन उसका रिड्यूस कर रही है तो बिजनेस यूनिट इनकरेज होती है ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ऑन दी अदर हैंड इफ बिजनेस एनवायरमेंट पोजिस थ्रेट टू द बिजनेस अनफेवरेबल है बिजनेस यूनिट के लिए तो उस केस में कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है उसने हाई टैक्स रेट लगा दिए तो जो प्रॉफिट के ऊपर तो जो बिजनेस है वो ग्रो नहीं कर सकता इस पूरी डिस्कशन से हमें जो पता चल रहा है दैट इज कि जो बिजनेस और एनवायरमेंट है म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर बिजनेस एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है और एनवायरमेंट बिजनेस को इफेक्ट करता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो इंटरेक्शन बिजनेस में और एनवायरमेंट में हो रही है तो इंटर है बिजनेस और एनवायरमेंट इसका एक डायग्राम के थ्रू आप इसे दिखा सकते हैं बिजनेस और ये सारे फैक्टर्स और हमने एरोज जो हैं वो दोनों साइड्स पे लगाए हैं कि बिजनेस भी फैक्टर को इफेक्ट कर रहा है और फैक्टर भी बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड हुई थी इंडिया में 1991 में इस पॉलिसी में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को मेनली एम्फोसाइज किया गया था 1991 से पहले जो पब्लिक सेक्टर था उसका इंपॉर्टेंट रोल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कंट्रोल्स लगाए हुए थे लेकिन लेटर ये रियलाइज किया गया कि पब्लिक सेक्टर जो है वो इनएफिशिएंट है तो नेट रिजल्ट क्या हुआ एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ इंडिया में नाइनटीन में और उसी टाइम पे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसे Uh, हम कंट्री में लेके आए और अपने आप को उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए वापस रैपिड और कांस्टेंट डेवलपमेंट की तरफ आने के लिए तो सिंस जुलाई 1991 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए किस ऑब्जेक्टिव से कि जो कंट्री है उसे आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस निकालने कर, उसे इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को तो जो मेन फीचर्स हैं करंट इंडियन बिजनेस वो क्या है लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन मतलब अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्रोल्स हैं उन्हें कम करना जो भी बिजनेस यूनिट्स पर गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हुए हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया रिलैक्स uh, किया ट्रेड और इंडस्ट्री को अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक हॉर्डल्स से और लिबरलाइजेशन इस एजाम्शन पे काम करता है कि जो मार्केट फोर्सेस है वो गाइड करेंगे इकोनॉमी को कि किस तरीके से इफेक्टिव मैनर में आपने काम करना है बजाय गवर्नमेंट कंट्रोल के नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया कि वो हर एक फील्ड में आके इंडस्ट्रीज को सेटअप करे जो फील्ड पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उसे भी आपने ओपन अप किया प्राइवेट सेक्टर के लिए तो जो प्राइवेटाइजेशन के सारे बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलने शुरू हो गए द नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी को आप लिंक कर रहे हो बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी से फ्री ट्रेड हो रहा है फ्री मोबिलिटी हो रही है कैपिटल की लेबर्स की आप इनवाइट कर रहे हो मल्टीनेशनल नेशनल को कि वो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करे इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज चेंज करती है उन्हें मल्टी कंपनीज को अट्रैक्ट करती है उन्हें इंसेंटिव्स देके कि वो आपकी कंट्री में आए और जो भी बेनिफिट्स हैं एमएनसीज के यहाँ पर सेटअप होने के फॉरेन करेंसी आ रही है एम्प्लॉयमेंट uh, इंक्रीज हो रहा है क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं चीपर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एडवरटाइजमेंट uh, हो रही है ज़्यादा जो आपका रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वो सारे बेनिफिट्स आप ग्लोबलाइजेशन के लिए ले सकते हो जो अल्टीमेट एव है ग्लोबलाइजेशन का दैट इज़ वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाना नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन इंडियन बिजनेस मार्केट्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हो गई हैं डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरन कॉम्पिटेशन दोनों इंक्रीज हो गया है और मल्टी नेशनल की फ्री एंट्री की वजह से जो बिज़नेस यूनिट्स हैं एक्यूट कंपटीशन वो फेस कर रही हैं फॉरेन बिजनेस यूनिट से और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है बिग शॉपिंग मॉल्स बिग एंट्री एंट्री आपकी हो रही है बिग रिटेल चेन स्टोर्स की तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं आपके लार्ज स्केल डोमेस्टिक और फॉरेन एंटरप्राइजेस से आपको बेनिफिट मिल रहा है किस सेंस में कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं कम कॉस्ट में नेक्स्ट इज योर इंक्रीज इन फॉरन इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आ रहे हैं कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स आपके नेशन में लिबरल अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट की है फॉरन इन्वेस्टमेंट के लिए तो जो इनफ्लो है फॉरन इन्वेस्टमेंट का वो इंक्रीज हुआ ये ये गवर्नमेंट कैसे करती है जो भी आपकी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको को चेंज करके नेक्स्ट है आपका फास्ट ग्रोथ हुआ है सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग और ग्रोइंग ग्रो grow कर रहा है एट अ वेरी फास्ट रेट प्रेजेंटली मोर देन हाफ ऑफ आपकी जो नेशनल इनकम है वो कंट्रीब्यूट करती है सर्विस सेक्टर और इस सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग टूरिज्मी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर जैसे कंपनी है आपके इंक्रीज इन फॉरन ट्रेड रिसेंट ईय में इंडिया का जो फॉरन ट्रेड हुआ है वो ग्रो कर रहा है एट अ वेरी फास्ट रेट में डब्ल्यूटीओ का इंडिया तो जो वो कमिटेड है टूवर्ड्स की रिड्यूस करे अपने टेरिफ्स नॉन टेरिफ बैरियर्स फॉरन ट्रेड के लिए देन इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में जो मिडल इनकम ग्रुप सेगमेंट है वो इंक्रीज कर रहा है फास्ट रेट से अब जो लोग रूरल uh, एरियाज में रह रहे थे वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अबाउट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी वजह से जो इंक्रीज हुई है डिमांड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हुई है टेलीविजन रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स कंप्यूटर्स मोबाइल फोन कार्स एक्सेट्रा देन है रिडक्शन इन फॉरन डेब जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व था हमारी इकोनॉमी का वो इंक्रीज हो रहा है अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसे फ्रेश फॉरेन लोन्स लेने की जरूरत नहीं है जो अर्लियर लोन्स लिए हुए थे वो उसको वापस कर रही है देन स्लो डाउन इन द इंडियन इकॉनमी ड्यू टू ग्लोबल रिसेशन एंड यूरो जोन डेट ये जो 2008 और 9 में आ, हुआ था 9 10 में हुआ और आ, 9 10 में हुआ था ये वो वाली चीज थे। तो वहाँ से और अब तक जब 2020 21 चल रहा है तो वहाँ से कंट्री जो है काफी आगे आ चुकी है जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रहा है अब सेम चीज अगर आप देखिए कोविड की वजह से नो no डाउट जो नंबर्स हैं जीडीपी के या जो दूसरी चीजें हैं वो इफेक्ट हुई हैं लेकिन ये चेंज जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में उसमें हुआ है नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस क्या है नीड क्या है स्टडी का ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच